हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लैनेट एक्वेरियम। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाई फिश गास्पिंग फॉर एयर। फिश एक्वेरियम के टॉप में आकर सांस लेती है, हाफती क्यों है? तो इसके बहुत से रीजंस होते हैं कि क्यों हाफती है। हमें भी गास्पिंग के प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। फ्रेंड्स, अगर आप फिश लवर्स हो और आपको भी ऐसे प्रॉब्लम्स आती हो, आपको भी लगता है कि आपकी फ़िश गास्पिंग कर रही है, तो बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके बहुत से रीजंस होते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि हमारे आज की वीडियो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगी। आप हमारा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज हम आपको हमारा रियल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि फ़िश गास्पिंग क्यों कर रही है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे टैंक में देख सकते हो वाइट मौली फिश है जो इस फिल्टर के पीछे छिप चुकी है, जो ऊपर आकर गास्पिंग कर रही है। तो गास्पिंग क्यों कर रही है तो हम आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, वैसे अभी तो समर सीजन चल रहा है और समर सीजन में पानी का टेम्परेचर अगर बढ़ गया, एक्वेरियम पानी का टेम्परेचर बढ़ने से ऑक्सीजन की कमी होती है, जो फिशेस के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। एक्वेरियम और फ्रेंड्स, पानी ठंडा कैसे करें, इसकी वीडियो हमारी पिछली वीडियो बन चुकी है। आप इस आई बटन को प्रेस करके आप देख सकते हो और हमारी इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी जाएगी, वो भी आप वहाँ से भी आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, समर सीज़न में नेचुरल बात है कि ओवरहीट होगा एक्वेरियम का पानी, और उसे कूल कैसे करें वो भी बहुत ज़रूरी है। और हमें वैसे एक्वेरियम का टेम्परेचर कम से कम 24 to 28 डिग्री तक रखना चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि फ़िश गास्पिंग क्यों करती है, उसके क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एक्वेरियम का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी फ़िश गास्पिंग करती है। और सेकंड चीज़ ये है कि पानी का वाटर क्वालिटी ख़राब होने की वजह से भी फ़िश गास्पिंग करती है, ऊपर आकर सांस लेती है, जिसे हम हाफना कहते हैं। और थर्ड चीज़ ये है कि उसे अगर कोई फ़िश को अगर कोई डिसीज़ हुआ हो तो उसकी वजह से भी वो गास्पिंग करती है। ये हमारे लिए वार्निंग सिग्नल होता है, जिसे हमें इमीडिएटली ट्रीट करना होता है। अगर हमने उसे जल्दी से ट्रीट नहीं किया तो हमारी फ़िश स्विम करना छोड़ सकती है, खाना छोड़ सकती है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में आकर उसकी डेथ भी हो सकती है। फ्रेंड्स, फिश गास्पिंग करने के बहुत से कारण हैं, जैसे कि हमने देखा कि वाटर क्वालिटी ख़राब होने की वजह से फ़िश गास्पिंग करती है, जिसकी वजह से वाटर क्वालिटी ख़राब होने की वजह से पानी में अमोनिया और नाइट्रेट ज़्यादा बढ़ने से फ़िश के गिल्स को अफेक्ट होता है, जिसके वजह से फ़िश गास्पिंग करती है। और फ्रेंड्स, ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिसकी वजह से फिश गास्पिंग करती है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, या फिर फंगस इन्फेक्शन हो, या फिर वाइट स्पॉट, ब्लैक स्पॉट, जिसकी वजह से फ़िश गास्पिंग करती है। अगर फ़िश के गिल्स को अगर अफेक्ट हुआ हो तो हमें उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है, और जल्दी से जल्दी उसे ट्रीट करना चाहिए। आपको बताएंगे कि गास्पिंग की ट्रीटमेंट कैसे करें, कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं घर पर ही। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप हीटर बंद कर दीजिए। क्या है कि हीटर की वजह से एक्वेरियम का पानी और गर्म हो सकता है, जिसकी वजह से फिश ज़्यादा बीमार हो सकती है। और उसके बाद आप एक्वेरियम का लाइट बंद कीजिए, आप ज़रूरत पड़ने पर ही लाइट का यूज़ कीजिए। हम लाइट भी बंद कर देंगे और हम बताएंगे आपको कि सबसे पहले आप 25% पानी चेंज करिए, इमीडिएटली चेंज करिए। तो ये जो है ये साइफन पंप है, जिसकी वजह से हम एक्वेरियम का पानी चेंज करेंगे। फ्रेंड्स, वो भी सिर्फ 25% ही करना है। देखिए फ्रेंड्स, हम अभी पानी चेंज कर रहे हैं 25%। देखिए, ज़्यादा चेंज ना करें। फ्रेंड्स, अब हमने देखिए, आप देखिए, हमने 25% पानी को निकाल दिया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे।
जो आपको बहुत ही स्लोली करना है, धीरे धीरे, ताकि फिशेस को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसे हमें इसमें पानी ऐड करना है। आप फ्रेश वाटर भी ले सकते हो। पानी चेंज करने से क्या होता है कि अगर हमारा पानी अगर गर्म हुआ हो तो उसे वो ठंडा भी कर देगा और टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा। फ्रेंड्स, पानी चेंज करने के बाद हम इसमें क्लोरीन भी ऐड करेंगे, एंटी क्लोरीन। पानी का क्लोरीन निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लोरीन जो होता है वो फिशेस के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। देखिए, इस तरीके से हमने अभी पानी चेंज कर दिया है। हमने अभी पानी चेंज कर दिया है और हम अभी इसमें एंटी क्लोरीन ऐड करेंगे, जिसे हमें 10 बूंदे डालना है। देखिए फ्रेंड्स, यह है एंटी क्लोरीन। इसको थोड़ा सा शेक कर लेंगे, बाद में हम इसे पानी में छोड़ेंगे। 10 बूंदे डालना है। ये हो गया, हमने अभी एंटी क्लोरीन भी ऐड कर दिया है। इसके बाद की प्रोसीजर क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद हम इसमें रॉक सॉल्ट ऐड करेंगे। रॉक सॉल्ट हमारे पास है फ्रेंड्स, तो हम इसमें रॉक सॉल्ट भी डालेंगे, जो हमें 2 चम्मच डालना है इसमें, लगभग 2 चम्मच के करीब डालना है। देखिए फ्रेंड्स, ये है रॉक सॉल्ट। ये रॉक सॉल्ट है, इस तरह के हम इसे वो क्या बोलते हैं, उसको गड़े वाला नमक बोलते हैं, उसे रॉक सॉल्ट कहते हैं, जो हम इसमें ऐड करेंगे। ये 2 चम्मच के करीब है, तो इतना हम इसमें पानी में ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, अब आपने देखा कि हमने इस एक्वेरियम का 25% पानी भी चेंज कर दिया है और पानी में हमने एंटी क्लोरीन भी ऐड कर दिया है और उसके बाद हमने रॉक सॉल्ट भी डाल दिया है। अब हम फिश जो गास्पिंग कर रही है उसके लिए जो मेडिसिन आती है वो है एंटी फंगल। देखिए, एंटी फंगल से ये रिडॉल कंपनी की आती है, जो ये 25 लीटर पानी में 5 ml ऐड करना होता है। जैसे कि हमारा टैंक 75 लीटर का है, तो हम इसमें 15 ml मेडिसिन ऐड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से होती है और ऐसी मार्केट में मिल जाती है, तो हम इसमें अभी ऐड करेंगे। पंद्रह एम एल यानी 3 टेबल स्पून आपको इसमें मेडिसिन डालना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें मेडिसिन ऐड कर दी है, वो अभी धीरे धीरे इसमें डिसॉल्व हो जाएगा और जो हमारी फिश है जो गास्पिंग कर रही है उसके लिए ये मेडिसिन बहुत ज़रूरी है। अगर आप
आपकी फिश जब तक नॉर्मली स्विम करती नहीं है, नॉर्मली सांस नहीं ले रही है, तब तक आप इसे ये इस प्रोसीजर को रोज करिए जब तक आपके फिश पानी चेंज किए और इसमें मेडिसिन ऐड करें। तो देखिए हमारी ये जो मोली फिश है, ये जो दिख रही है, जो ऊपर में गास्पिंग कर रही थी, जो अभी नीचे आ चुकी है और अच्छे से वो स्विम भी कर रही है और सांस भी ले रही है। ऐसी अगर आपके फिश, आपको भी अगर ऐसी आपके घर पर भी फिश अगर ऐसी कर रही हो, गास्पिंग कर रही हो और उसे जल्दी से आपने ट्रीटमेंट दिया, तो आपकी फिश भी हेल्दी हो सकती है। फ्रेंड्स, अब हमने ट्रीटमेंट तो देख लिया है। ये हमारा फ्रेश वाटर टैंक है, जिसके अगर फिश गास्पिंग करती है तो फ्रेश वाटर टैंक के लिए ये ट्रीटमेंट है। अगर प्लांटेड टैंक हो तो प्लांटेड टैंक में क्या होता है कि CO2 का लेवल अगर बढ़ जाता है, तो CO2 का लेवल बढ़ने की वजह से भी फिश गास्पिंग करती है, तो सबसे पहले हमें CO2 लेवल को कम करना होगा ताकि आपकी फ़िश रिकवर हो सके। और फ्रेंड्स, हम हमारे चैनल पर, एक्वेरियम चैनल पर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते हैं एक्वेरियम रिलेटेड, तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को हमारा वीडियो शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमें कमेंट भी करिए। और हमारे इस वीडियो की पूरी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसे आप ज़रूर पढ़िए। तब तक के लिए घर पर ही रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। गुड बाय।